नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। महिला सशक्तिकरण का अर्थ सिर्फ बेटियों को बचाना और उन्हें पढ़ाने तक सीमित नहीं है। महिला सशक्तिकरण का अर्थ है कि बेटियों को हर ओर से सुरक्षा मिले, हर वो सुविधा मिले जिनकी वो हकदार हैं, और इसमें हाइजीन भी एक बड़ी भूमिका निभाता है। मेंस्ट्रुअल हाइजीन, जिसके विषय में लोग खुलकर अभी भी बात नहीं करते हैं, कतराते हैं, इन सभी चीज़ों पर विराम लगाने के लिए मोतिहारी जिला प्रशासन और ब्रावो फार्मा की तरफ से इज्जत मुहिम की शुरुआत की गई है, जहां पर महिलाओं को, वंचित महिलाओं को सबसे कम दाम में सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराए जाएंगे। मात्र 1 रुपए के दर पर उन्हें सैनिटरी पैड्स मिल पाएगा, जिसकी वजह से वो अपने मेंस्ट्रुअल पीरियड के दौरान में सुरक्षित रह पाएंगी। तस्वीरें हम आपको मोतिहारी की दिखाते हैं, जहाँ पर इज्जत मुहिम की शुरुआत हुई है जिला प्रशासन और ब्रावो फार्मा के संयुक्त प्रयास से। चंपारण की ऐतिहासिक धरती से आज मोतिहारी जिला प्रशासन ने शुरुआत की है प्रोजेक्ट इज्जत की, और इस मुहिम की जनक पैड वुमन के नाम से विख्यात वरीय उपसमाहर्ता दीपशिखा भी आज इसमें शामिल हुई है। ब्रावो फार्मा इसमें एक अहम भूमिका निभा रहा है। आपको बता दें कि इस इज्जत प्रोजेक्ट के सफल संचालन के लिए सैनिटरी पैड बनाने की मशीन जो है वो राकेश पांडे की ओर से भेंट की गई है, जिसके वजह से अब महिलाओं को महज 1 रुपए में पैड मुहैया हो पाएगा। आपको बता दें कि अभियान में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने प्रोजेक्ट इज्जत की सफलता के लिए आर्थिक मदद करने का भी ऐलान किया है। महिलाओं के स्वास्थ्य की चिंता और उनके जीवन में बदलाव लाने के लिए इस अभियान में पूर्व से ही जीविका की जो दीदियां हैं वो अपनी सहभागिता सफलतापूर्वक निभाती आ रही है। मोतिहारी के जिलाधिकारी शीर्षित कपिल अशोक भी इस दौरान वहां पर शामिल थे। क्या कुछ कह रहे हैं वो आप सुनिए। महिलाओं के बीच में अपने पर्सनल हाइजीन का एक मैसेज है। प्रधानमंत्री जनऔषधि शॉप जो है हमारे, जो काफ़ी सस्ते में 4 रुपए में एक पैड का पैकेट देते हैं, उसमें 4 पैड्स रहते हैं कि जो बायोडिग्रेडेबल भी रहते हैं, यानी 1 रुपए को एक पैड मिलता है। ये पैड्स महिलाओं को मिल रहे हैं, और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हमारे ग्रामीण जो एडोलेसेंट एज की बच्चियाँ, जो एडल्ट महिलाएँ हैं, उनके लिए ये काफ़ी एक रामबान उपाय यहाँ पर हो रहा है। और ये ना कि सिर्फ मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में है, बल्कि ये एक वुमेन एम्पावरमेंट का अभियान है। जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में हम बात करते हैं, राज्य सरकार की भी बहुत सारे महिला योजनाएं हैं जो महिला सशक्तिकरण के लिए फोकस करती है, इन सब के लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है। और साथ ही आज के इस कड़ी में जो है IOCL के ED साहब भी यहाँ पर मौजूद है। IOCL ने भी काफ़ी मदद जो है यहाँ पर इस प्रोजेक्ट इज्जत के लिए किए है, जो सैनिटरी पैड्स यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट हम यहाँ पे बांट रहे हैं। इसके अलावा भी जो है आज जो है बिहार विधानसभा का निर्वाचन 2020 के लिए स्वीप के तहत भी गतिविधि की गई थी, जिसमें जेंडर रेशियो इम्प्रूव करना है हमको, महिलाओं की भागीदारी जो है इलेक्ट्रल रूल में बढ़ानी है। तो एक दृष्टिकोण से प्रोजेक्ट इज्जत जो है ना कि सिर्फ पैड्स डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोजेक्ट है, बल्कि ओवरऑल महिलाओं के विकास का ये प्रोजेक्ट है। जैसा कि आपने बताया था कि यहाँ पे अब महिलाएं जीविका की महिलाएं, और ये महिलाएं तमाम अपनी प्रोडक्शन शुरू करेंगी, निश्चित अपनी प्रोडक्शन शुरू करने जा रहे हैं। इसमें जो है राज्य सरकार की जो औद्योगिक नव परिवर्तन विकास योजना जो है उसके तहत भी हम दे रहे हैं। यहाँ पे ब्रावो फाउंडेशन भी उनको मदद कर रहा है, IOCL भी जो है अपने स्तर से भी जो मदद कर रहा है, और प्रधानमंत्री जनऔषधि शॉप्स का जो मानक है, तो उस तरीके से पैड जो है हम बनाएंगे, और निश्चित जो है भारत सरकार से भी जो है प्रक्रिया हम करेंगे कि ताकि इन महिलाओं के द्वारा जो पैड बनाए जाएंगे, बाद में हम चाहते हैं कि यही पैड जो है प्रधानमंत्री जनऔषधि शॉप में भी आए, ताकि वो प्रोड्यूस भी करें और वो यूज़ भी करें, तो एक साइकिल जो होती है विकास की और उद्योग की वो भी कम्प्लीट हो सके। धन्यवाद। तो मोतिहारी की महिलाओं को अब कम दरों पर पैड मुहैया हो पाएगा। मात्र 1 रुपए की कीमत से उन्हें सैनिटरी नैपकिन मिल पाएगा। जिला प्रशासन के साथ साथ ब्रावो फार्मा और उसके CMD राकेश पांडे ने एक बड़ी भूमिका निभाई है इज्जत मुहिम के लिए। सैनिटरी मेकिंग मशीन जो है वो ब्रावो फार्मा की ओर से इस मुहिम
को दी गई है ताकि महिलाओं को स्वच्छता मिल पाए उस दौरान जब वो खुद को असहज महसूस करती हैं या फिर सुरक्षित महसूस नहीं कर पाती है। देखने वाली बात ये होगी कि इस तरह की चीज़ें जिसके विषय में आज भी लोग बात करने से कतराते हैं, घबराते हैं, वो कब तक मुखर हो पाती हैं और पूरे बिहार में इस तरीके की मुहिम जो है वो कब तक चल पाती है और सभी महिलाओं को इस तरह के सामान्य अधिकार कब तक मिल पाते हैं। लाइव सिटीज़ के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को ज़रूर लाइक करें। धन्यवाद।